हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आज सवेरे सवेरे हाजिर है, एकदम ब्लॉग के लिए रेडी है। और ये पहली बार है कि अपन सवेरे से ही ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं और इतना जल्दी अपन कभी उठते नहीं है। अभी हुआ है मॉर्निंग का 7 और इतना जल्दी उठने का रीज़न यह है कि अपना जो बाल और दाढ़ी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और इसको सेट करवाने का टाइम आ चुका है। तो कल हम गए थे नाई के शॉप में, तो यहाँ नाई वाई की शॉप खुलना स्टार्ट हो गई है। तो कल हम गए थे नाई के शॉप में, काफ़ी ज़्यादा भीड़ था इसलिए हम वहाँ पे शेट वेट नहीं करवाए। उसका नंबर लेके आ गए थे और उसको हम बोल के रखे थे कि सवेरे जो है अपना फर्स्ट नंबर लगेगा और अपन जो है अपनी दाढ़ी और बाल जो है शेट करवाएंगे। तो मैं अभी मॉर्निंग उसको कॉल किया था और वो पहुँच ही रहा है शॉप, तो अपन भी वहीं पहुँचते हैं। तो मैं अपने साथ कपड़े लेके जा रहा हूँ क्योंकि अभी कोई भी नाई का शॉप अपना कपड़ा वगैरह यूज़ नहीं कर रहा है, जो कपड़ा है अपन को खुद ले के जाना पड़ेगा। तो अभी चलते हैं नाई के शॉप में और सेट वेट करवाते हैं क्योंकि अपना जो दाढ़ी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, बाल भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, पीछे से काफ़ी बढ़ चुका है। रीज़न यह है कि इससे पहले अपन टकला हुए थे इसलिए सामने से कुछ ज़्यादा नहीं है, पीछे काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और पिछले 4 महीने से बाल और दाढ़ी बिल्कुल टच नहीं हुआ है। तो आज इसका टचिंग वचिंग होगा, शेट वेट होगा। तो पहुँचते हैं नाई के शॉप में। हे गाइस, दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त प्रेम, मैंने आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीके ब्लॉग। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आपका दोस्त हाजिर है सैलून में। और आपके साथ कितने बार ऐसा होता है कि आप सैलून के आईने में देखते हैं और आपका दाढ़ी और बाल जो है आपको अच्छे लगने लगते हैं और कटाने का मन नहीं करता। ऐसा लगता है कि सैलून का जो मिरर है उसमें कुछ जादू है और आपका जो चेहरा है वो निखर के आता है और जो दाढ़ी और बाल है वो परफेक्ट लगता है। बट वही घर में जाके देखे तो एकदम से ऐसा लगता है कि क्या हो गया है ये सब। तो अभी अपनी बारी हो चुकी है तो अभी अपन स्ट्रेट वेट करवाते हैं दाढ़ी और बाल। सलून से घर आ चुके हैं अपन और नहा धो के एकदम चकाचक हो गए हैं और दाढ़ी बाल अपना प्रॉपर सेट हो चुका है और सेट होने के बाद काफ़ी अच्छा हल्का फील हो रहा है। इससे पहले जो हमारा दाढ़ी वगैरह था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और बाल भी काफ़ी बढ़ चुका था। तो सलून से आने के बाद जो सबसे पहला काम था, जो कपड़े मैं पहन के गया था और जो कपड़े ले के गया था उसको अच्छी तरीके से वॉश करने का। वॉश करने के बाद अपन नहा धो के एकदम चकाचक रेडी हो गए हैं और अभी जो टाइम हो चुका है उसमें अपन को अभी शॉप जाना है। और एक चीज़ अभी जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ है, अगर आप सैलून वगैरह जा रहे हैं दाढ़ी बाल सेट करवाने, तो हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो इक्विपमेंट सैलून वाले यूज़ करते हैं उसको प्रॉपर सैनिटाइज कर दें यूज़ करने से पहले, या तो ज़्यादा सेफ्टी के लिए आप प्रॉपर एक इक्विपमेंट ले कर चलें अपना पर्सनल, जिसको आप सैलून में जाएँ और उसको यूज़ करें, आके अपना फिर से सैनिटाइज करके फिर उसको दोबारा यूज़ कर लें। तो अभी का जो दौर चल रहा है कोरोना वायरस का, उसमें आपको सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है। जितना आप ज़्यादा प्रिकॉशन लेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, आपके फैमिली के लिए अच्छा होगा। तो अभी अपन चलते हैं शॉप की तरफ, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सो गाइस, शाम होते होते मौसम क्या बन गई है, कितना सुहाना मौसम है, चारों तरफ बदली छाई हुई है और मुझे दूर वहाँ पे पहाड़ नज़र आ रहा है, वहाँ पे शायद बारिश वगैरह हो रही है और सुन सकते हैं बादल गरज रहा है, हवाएं काफ़ी तेज़ चल रही है, साथ में हल्का फुल्का बूंदाबांदी है। और इस साइड देख सकते हैं पेड़ के पीछे पहाड़ है, वहाँ भी शायद बारिश हो रही है और इस साइड भी पहाड़ है और शायद उस तरफ भी बारिश हो रही है। और जो बारिश होती है उसके बाद जो पहली बार जो मिट्टी में पानी पड़ती है ना, उसका जो खुशबू आती है क्या ही कहना है। और वही सेम चीज़ जो है अभी मैं फीलिंग कर रहा हूँ। और यह है हमारा पुराना कुआँ, काफ़ी बड़ा कुआँ है
और अभी जैसे ही बरसात का मौसम आएगा इस कुएं का पानी भर जाएगा, और इस कुएं में कभी पानी सूखता नहीं है। तो ये हमारा कुआं, और यहाँ पे है एक छोटा सा टंकी, इसमें पानी निकाल देते हैं, उस टंकी में भरते थे, और बचपन में उस टंकी में हम लोग नहाते थे काफ़ी। मैं नज़दीक चल के आपको दिखाऊंगा अभी। सो गाइस, आजकल जो मौसम जो है बहुत बेईमान हो चुका है, पता ही नहीं चलता कि गर्मी का मौसम चल रहा है या बरसात का मौसम चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि गर्मी और बरसात में टाइम टेबल बना के रख दिए हैं कि सवेरे टाइम तुम गर्मी करना, शाम को हम बरसात कर लेंगे। सेम सिचुएशन जो है अभी यहाँ पे चल रहा है कि 2-3 बजे तक जो है तबाही गर्मी, तबाही धूप, मतलब बाहर निकलो तो पैर पे छाले तो पड़ जाएंगे अगर बिना चप्पल जूते के निकले। अगर शाम की बात करें तो हवाएं तेज तेज चलना स्टार्ट हो जाता है, बिजली कड़कना स्टार्ट हो जाता है, बादल गरजना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन तेज़ बारिश नहीं होगा, बस ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन राहत की बात यह है कि इतना ज़्यादा गर्मी कर रहा है उसमें शाम को जब ऐसी हवाएँ चलती है ना तो दिल शांत हो जाता है, और 1-2 घंटा जो है छत पे कैसे गुजरता है इन ठंडी ठंडी हवाओं में पता ही नहीं चलता।